जब से नया सरकार आया बदलेन में, तब से इतना शांति हुआ, उन्नति हुआ, हम जाति जनजाति के बीच में पूरा मिलजुल के हम रह रहा है। अरे सासुमा खुंगुर जी, मुझे तू घंटा उगर लेगा। गुड इवनिंग गाइस, मेरा बदलेन टाइगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अभी शाम की 4:15 बज गया है, अभी हमको भूख लगी है, हम नीचे जा रहे हो कुछ खाने के लिए। क्या है दुकान में, होटल में क्या है उसको देखना पड़ेगा, देखने के बाद खाना पड़ेगा। जो खाने के लिए मन करेगा वही खाना पड़ेगा, खाऊंगा। बाहर में आया नहीं खाएगा तो पूरा वीक लग जाएगा, ऐसे मेरा शरीर अच्छा नहीं है। मुझे हर दिन दवाई खाना पड़ा है, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है मेरा, पूरा मुझे बुखार आ रहा है। हम ज़्यादा चेन्नई को घूम नहीं पाऊँगा, जल्दी जाना पड़ेगा, हम परसों जाऊँगा। ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है, जब इधर रह के घूमते रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसे बुखार आ रहा है मेरा, डॉक्टर को देख के लेना पड़ेगा कल। दरवाजा बंद कर रहा है, हो गया, चलो दरवाजा बंद हो गया। अभी हम जा रहे हैं होटल में, कुछ खाना पड़ेगा भाई। सुबह 11 बजे में खाना खाया था, इसके बाद कुछ भी नहीं खाया है, भूख लगा है मुझे। ज़्यादा भूख लगने से प्रॉब्लम हो जाएगा मेरा, वीक है ना, पूरा वीक लग रहा है, अच्छा नहीं लगा। उसी होटल पे हम आया है खाने के लिए, छोटा सा होटल है लेकिन सब कुछ मिल रहा है, उसी मिले फ्रिज भी मिलते हैं, जूस 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 बनाते हैं। तो अभी खाना है ब्रेड आमलेट, ब्रेड आमलेट खाने से पूरा पेट भर जाएगा। तो इसमें 2 अंडा दिया है और 2 ब्रेड का पीस दिया है, खाने में मजा आएगा। अच्छा लगा फ्रेंड है, वो भी खा रहा है प्लेट, हम दोनों एक साथ खा रहा है प्लेट, कैसा लगा? ब्रेड आमलेट को पूरा खा लिया, पूरा प्लेट खाली हो गया। कॉफी पीना है, चाय, गरम गरम चाय। ठीक है, चाय अच्छा लगा, सुबह और शाम को चाय पीना मेरा आदत नहीं है, लेकिन जब दिन मुझे पूरा भूख लगेगा ना तो उस दिन में मैं चाय पीऊँगा, जरूर चाय पीऊँगा, एक कप से ज़्यादा चाय नहीं पीऊँगा। मेरा 10-15 दिन में एक बार ही चाय पीता हूँ, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद अच्छा चाय पीता हूँ, मैं हर दिन चाय नहीं पीऊँगा, मेरा आदत नहीं, अच्छा आदत नहीं है चाय पीना। चाय पी लिया, हो गया, ब्रेड आमलेट खाया, हो गया, थोड़ा ताकतवर हुआ है। वो भी मैं गाली देने वाला है सांसुमा खुंगुर बैसो मुठियारी जी को। सांसुमा खुंगुर बैसो मुठियारी जी कौन है? एक पूर्व एमपी है, आसाम की कोकराझार से। वो 4 times एमपी था, वो 4 times एमपी में आसाम की जनता के लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया वो, लेकिन खुद के लिए सब कुछ कर लिया। खुद का जमीन हो गया, खुद का घर हो गया, खुद का सब कुछ हो गया। उसकी 2 बेटा डॉक्टर है और 2 बेटा प्रोफेसर ना क्या ऐसा है, कुछ अच्छा खासा नौकरी करने वाला है उसकी बेटा। अरे सांसुमा जी, वो भी तो उसका एमपी नहीं है, जीता नहीं, हार गया, अभी वो पागल कुत्ता की तरह। उसका तो एमपी नहीं, कुछ भी पावर नहीं, कुछ भी मिला नहीं गवर्नमेंट से फैसिलिटी, अभी वो पागल कुत्ता की तरह भाग भाग करता है। क्या भाई सांसुमा जी, आप दारू पी के कुत्ता की जैसे भग 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 करते रहता है क्या दिन भर? क्या आपका गाली देना है क्या? अभी बदलेन का सीएम प्रमोद बोरो सर जी को वो पूरा भग भग कुत्ता की तरफ भगते रहता है। अरे चलो चल, तू चला जाओ, जितना भगो, और दूसरा सरकार आने वाला नहीं है 15 साल, और प्रमोद बोरो जी ने बदलेन का सीएम होते रहेगा। तू इतना चिल्ला के कुछ भी नहीं होगा, बीपीएफ का सरकार नहीं आएगा भाई, बीपीएफ का सरकार नहीं चलेगा इधर, इधर सिर्फ
यूपीपीएल बीजेपी और जीएसपी का सरकार चलेगा। मैं चेन्नई से संसुमा कुंगुर जी को ये गाली दिया, पागल कुत्ता की तरह भगने से कुछ भी नहीं होगा। 4 times आप एमपी था, क्या क्या आपने घंटा उघर लिया, कुछ भी नहीं क्या आसाम की जनताओं के लिए? जो क्या है प्रमोद बोरो जी ने कर रहा है, जब से नया सरकार आया बदलन में, तब से इतना शांति हुआ, उन्नति हुआ, हम जाति जनजाति के बीच में पूरा मिलजुल के हम रह रहा है, नो प्रॉब्लम डेवलप हुआ है, शांति हुआ है हमारा बीच, कितना प्यारा से मिलजुल हमने रह पाया है। संसुमा कुंगुर जी ने बदलन में फिर से अशांति करना चाहता है, कभी नहीं होगा, कभी भी दूसरा सरकार नहीं आएगा और आपका जो सोच है वो कभी भी नहीं होगा। अरे संसुमा कुंगुर जी, दारू पी के आराम से माथा में तेल लगा के सोते रहना, एसी ऑन करके हमको घंटा उघर लेगा तू। अरे संसुमा कुंगुर जी, मुझे 2 घंटे